भाई तेरे को जादू दिखाऊं अभी दिखा दे भाई। ऐसा है कि अभी मैं और आकाश ना शादी के लिए तैयार होने जा रहे हैं। मैंने जैसे ही गाड़ी को चाबी लगाई स्टार्ट की और चाबी नीचे गिर गई और गाड़ी गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी स्टार्ट है तो ये देखो वो यार ये कैसे गाड़ी स्टार्ट है और ये चेक करो आवाज आ रही है ना। 3 घंटे लगाने के बाद ये शक्लें निकल के आई है। 3 घंटे लगाने के बाद अभी देखना हम 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे फिर भी इनसे सुंदर लगेंगे। अच्छा भूतों की सरदारनी कैमरे तो अच्छी लग गई। सुस्ती आ रही है भाई मन नहीं कर रहा मेरे तो शादी में जाने का अभी। अक्षु आवा तो आ गया एकदम तैयार हो गए सज धज के। और ये भाई साहब इसको तो भाई फुर्सत नहीं है डॉलर कमाने से भाई। बैक कैमरा क्यों करूं मैं ना दिखाऊं अपनी शक्ल मैं ना दिखाऊं भाई। लड़के देखो कितनी तैयारी करती है हम लौटे क्या करते हैं पॉलिश भी है एक कड़वा दे रहे हैं। देखो जूते देखना मेरे चेक करना कैसे चमकेंगे भाई मेरे तो ऐसे ही शाइन कर रहे हैं। मैंने लिए है ना बेटर वाले पिछली शादी में जो बेटर का काम किया था तूने उसका क्या वो बताऊं मैं लोगों को जिसको जूते क्या देख रहे हो यार भाई मेरी शक्ल देख लो गाइस। मैं आपको एक चीज बताऊं यार देखिए मैं सबसे पहले बहुत शक्ल देखने से अच्छा लोग मेरे जूते देख ले। दिखा दी ना अपनी औकात आते ही भाई कुछ तो शर्म कर ले लोग देख रहे हैं यार भाई कोई नहीं देख रहा। चल मेरे लिए भी पकड़ ले एक प्लेट फिर। अरे यार मेरे को तो ज्यादा डाल दिए चलो दे दो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा इनको। सुन मैं जा रहा हूँ जो भी लाना दो लाना ठीक है। सच से बता दे कौन सी प्लेट है तेरी भाई झूठ नहीं बोलूंगा पांचवी। चाचू भुखड़ गएंगे बहुत अच्छा बोला। और ये 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 फंस गया सीएम। आदि क्या कर रहे तू ओए आदि मैं तेरे को देख जो सब करने आया यहाँ पे मैं तेरे को देख रहा हूँ मैं 4-5 बार आ गया तू यहाँ पे। थैंक यू इट्स टाइम टू ईट सम फूड गाइस आप लोग देखो और चलो। हेलो जानवी खालू मैं खालू तो मेरी प्लेट की तरफ क्यों देख रही है मुझे नहीं शौक चढ़ा है। चल ठीक है खा लेता हूँ फिर मैं भाई। इसको बोलते हैं एक नंबर की जलसी जलते हैं मुझसे दोनों भाई। दिखाओ जरा शक्ल दिखाओ व्हाट इज दिस शिंपू जी व्हाट इज दिस ये क्यों ऐसा क्यों किया आपने। तो ये वाला मकान बन सकता है तो ये वाला तोड़ के दोबारा क्यों नहीं बन सकता। क्या बनाएंगे अब यहाँ पे किचन कि तो ये भी तो किचन ही थी ये हाइट में कम थी ना। अच्छा हाइट बढ़ानी थी तो नीचे डंडे लगा देते। बता तू क्या कर सकता है इस गिलास का तू क्या कर सकता है। डंडे भी मार सकता है। डंडे मार सकता है कैसे मारेगा बलवी थे। मैं तेरे पापा से गुजारिश करता हूँ कि तेरे को जल्द से जल्द किसी मेंटल अस्पताल में लेके जाए। तू ऐसे कर रहा उसके पेट में डंड मार। ओए 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 बस 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 पलवित तेरे को बोला जिसने तू बैड बॉय बन खुद मजा आता है बैड बॉय बनने में क्या कैसी फीलिंग आती है। मींस की लड़ाई भी होती है जो कि मुझे पसंद है। पसंद है तेरे को पसंद है बहुत करता भी है लड़ाई स्कूल में करता हूं। क्या कैसे जब ये सारे बच्चे चल देते हैं सुन 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 फिर कैसे मारते तू उनको। तेरा नंबर लगेगा पलवित को गुस्सा आया तो। मार्बल के पीस लेने आए यार मैं और आकाश यहाँ पे ना क्योंकि घर पे मार्बल भी नीचे का टूट चुका है और अभी इतने पैसे है नहीं मेरे पास कि मैं टाइल भी लगवा लूँ। तो ये है सामने मार्बल कुछ पीसेस लेके जाने हैं 4-5 हज़ार का खर्चा तो आ ही जाएगा इस पे भी आराम से और फिर फिक्स कराने का अलग ठीक है। पिंक तो ले ही जाएंगे इसमें चला अंकल जी रखा यार पीस थोड़े से ज्यादा हो गए और ये नहीं चाहता कि इसकी मैं गाड़ी में लेके जाऊं तो मेरे को स्पेशली पिकअप करना पड़ा इसके चक्कर में। कुछ पीसे रख भी दिए हैं अब वो वापस निकालने पड़ेंगे। खोला डिक्की खोल भाई ये देख व्यू देख कितना सुंदर आ रहा है साफ देखा मैं कैसे आ रहा हूं। वाह भाई आज मैं कैसे आ रहा हूं चांद में दाग। हेलो बेस्टीज हेलो गाइस कैसे हो दोस्तों। सर सर बताना कभी कभी ये वही लगता है ना वही थैंक यू क्या मतलब है वाला है तू सपोर्ट नहीं करता क्या उनको। गाइस मैं तो पूरा सपोर्ट करता फुल सपोर्ट एलजीबीटी क्योंकि जिस करता हूं भाई ये पकड़ मेरे सपोर्ट देखना ये पकड़ पकड़ देखिए गाइस मैं तो फुल सपोर्ट करता एलजीबीटी क्यों हालांकि मैं खुद ठीक है भाई कोई बात नहीं आज मेरे पास पैसा नहीं है तो सब मेरे को बहुत दिखाते हैं ठीक है। चार आए बोल रहा था कि मेरी गाड़ी में नहीं सामान आया ठीक है भाई मेरी खराब हो गई भाई बुरे दिन हो ना तो साला कुत्ता भी खुद को शेर समझता है ठीक है। जब अपने पास पैसा आएगा ना इस बंदे को मैं गाड़ी के पीछे नंगा दुड़ा नंगा दुड़ाऊंगा नंगा शक्ल याद रख लो इस बंदे की। हाँ भाई थक गया है तो पूरी तरह से बस अभी अभी पहुंचो घर पे कपड़े उतार के सीधा फेंक दिया अपने वॉशिंग मशीन में चावल चावल बन गए शायद
ये देखो तड़का जी अपना हमारा तैयार है। ये बन गई अपनी मिक्स दाल, पता नहीं कैसी बॉईल की है पापा ने, ऐसे लग रहा है पानी है, लेकिन मैं इसको अच्छा रंग रूप अभी दे दूंगा थोड़ी ही देर में, ये चेक करो। हाँ भाई थक गया हूँ, मतलब कि सुबह उठो काम करो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, एकदम तैयार हो, खुद ऑफिस के लिए खाना पैक करो, फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, शाम को 6-7 बजे घर पहुंचो, फिर आके खाना बनाओ, फिर चुपके सो जाओ। हाय क्या नींद आती है और काम करने के बाद जबरदस्त एकदम। बच्चों की तरह घसीटता हूँ मैं कपड़ों को। ओ भाई आ जा पीछे, इतना का पानी काफी होगा ना, चलो भाई। तेरे की क्या बात है अभिषेक ठाकुर, सारे काम कर लेता है यार अभिषेक ठाकुर, कुछ भी करा लो। कपड़े भी नहीं मिलेंगे यार मेरे, पता नहीं कहाँ रख दिए, वो मिल गए शायद, नए कपड़ों की ऐसी तैसी हो रखी है भावा। बड़ा टफ है यार ऐसे जिंदगी जीना, कोई बात नहीं, ये भी एक अपना एक्सपीरियंस है। आज तो अकेले खाना खाना पड़ेगा क्योंकि पापा तो बाटली मार के सो गए चुपचाप, खा पी के आए कहीं बाहर से, अभिषेक ठाकुर को आज अकेले ही खाना पड़ेगा। चावल तो देखिए भाई क्या बनाया है अभिषेक ठाकुर ने आज, इसको खोलते इसकी रबड़ गिर जाती है। आहा लुकिंग डिलीशियस, बस थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है, इसको दोबारा रख देता हूँ थोड़ी देर, मम्मी ने बोला था इस पे थोड़ा सा पानी ज्यादा डलता है। लो जी हो गई ना अपनी दाल, कैसे बन गई एकदम डिलीशियस, ये चेक करो, अगर मुंह में पानी आया ना भाई कमेंट में बता दो धड़ाधड़। बहुत खाली मिर्ची, मजा तो आ गया भाई, पसीने छूट गए, अब बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा सच में यार। लेडीज पता नहीं, लेडीज मतलब मम्मियाँ पता नहीं कैसे, मतलब चलो ठीक है बाकी सारे काम हो जाते हैं मुझसे, मैं कर लेता हूँ ऐसे मना नहीं करता, पर खाने के बाद काम करना, ओहो मेरे को तो खाने के बाद सीधा बेड चाहिए बस, खाने के बाद बर्तन धोना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन धोने पड़ेंगे क्योंकि मम्मी बोलती है रात को जूठे बर्तन नहीं रखते, ठीक है तो बर्तन मार ले तो पहले। हाँ भाई थक गया, खुद भी खाना खा लिया, बर्तन भी बांध दिए और इनको भी खिला दिया, बस अभी ये कपड़े निकाल के रखने और फिर निकल जाऊंगा मैं सोने। ये तो डांस ही बड़ी ज्यादा कर रही है, डाल तो दिए भाई मैंने अंधेरे में कपड़े, पर मेरे को लगता नहीं है कि ये सूखेंगे। चलो भाई कोशिश और उम्मीद पे दुनिया कायम है, सूखेंगे तो डाल लेंगे, नहीं तो प्रेस मार मार के सुखा लेंगे, यही कर सकता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ। कपड़े भी गिल्ले हो गए यार मेरे बहुत, उफ चलो सो जाऊंगा अब ऐसे जैसे हैं, ये तो उतार के फेंक दी मैंने जो गिल्ली थी।